Hi दोस्तों, this is Sumit from Madeira Diaries. और आज हम बात करेंगे the world's largest beer festival के बारे में, जिसका नाम है Oktoberfest. अक्टूबर महीना आने वाला है, या जब तक ये वीडियो अपलोड होगा अक्टूबर हो चुका होगा. और अक्टूबर में जर्मनी के म्यूनिक शहर में सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल मनाया जाता है. ये बवेरिया रीजन में है और ये शुरू हुआ था 1810 में, जब एक प्रिंस की शादी के सेलिब्रेशन में एक फेस्टिविटी किए थे. ये एक फोक फेस्टिवल है जहाँ पर ट्रेडिशनल डांसेस, गेम्स और बहुत सारा ट्रेडिशनल फूड भी सर्व किया जाता है. ये यूजली मिड सितंबर टू अक्टूबर में होता है. सितंबर क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो जाती है, सो दे डिसाइडेड टू मूव इट अ लिटिल अहेड, जाके गर्मियों के टाइम में थोड़े लोग और एंजॉय कर सके. ये 16 टू 18 डेज तक मनाया जाता है और कहा जाता है अप टू 50 टू 60 लाख पीपल अटेंडेड. ये मेरे बकेट लिस्ट में फॉर श्योर है अटेंड करना एक बार. बट द गुड थिंग इज दुनिया के कई शहरों में एक सिमिलर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो अक्टूबर फेस्ट एक्चुअल म्यूनिक बवेरिया रीजन से इंस्पायर्ड है. हमने भी ऐसा ही एक फेस्टिवल अटेंड किया था जहाँ पर लोग डिफरेंट बियर्स एंजॉय कर रहे थे और म्यूजिक और फोक डांसिंग चल रहा था. अक्टूबर फेस्ट बियर फेस्टिवल में यूजली टू और थ्री टाइप्स ऑफ बियर ही सर्व होते हैं. एक है मर्जान लागर, जो उनका ट्रेडिशनल लागर है, और एक पेल एल. ये जर्मन हॉप से बनता है एंड ओनली 6 ब्रुअरीज ऑथराइज्ड है ये बियर बनाने के लिए, एंड इट हैज टू बी डिस्टिल्ड इन द बवेरिया रीजन. तो उनमें से एक ब्रुअरी जो बहुत ही फेमस भी है, उसका नाम है होफ्रा हाउस. हम होफ्रा हाउस बियर का टेस्ट करेंगे, इसके थोड़े टेस्टिंग नोट्स डिस्कस करेंगे. ये वही बियर है जो अक्टूबर फेस्ट में सर्व किया जाता है. ये 6.3% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, 330 ml बॉटल, अराउंड $1.50 और 100 रुपीस. लेट्स टेस्ट इट. बट उसके पहले होफ्रा हाउस और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बियर बनाते हैं, जैसे कि हेफेवाइजन, जो भी एक कॉमन बियर है. दिस हेफेवाइजन इज 5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, एंड उनके पास एक डंकल बियर भी है जो एक डार्क लागर होता है, डार्क म्यूनिक लागर. ये 5.5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है. बट आज हम अक्टूबर फेस्ट बियर टेस्ट करेंगे, इसके टेस्टिंग नोट्स डिस्कस करेंगे और ट्राई करते हैं इसको. सो लेट्स ओपन दिस अप, रियल अक्टूबर फेस्ट बियर. लॉट ऑफ नाइस बबल्स कमिंग अप. सॉरी, कैमरा में दिखे ना दिखे, मे बी व्हाइल आई पोर इट यू विल सी द फ्रॉथ. यूजुअली दिस माइट नॉट बी द राइट बियर ग्लास. ये मग्स में सर्व किया जाता है. वेट्रेसेस, दे यूजुअली वेयर द ट्रेडिशनल ड्रेस व्हाइल सर्विंग इट, एंड दिस लॉट ऑफ म्यूजिक पार्टी. बट yeah, lot of nice carbonation as you can see, decent froth formation. Let's give it a smell. Smells a little citrusy, lemon, but get a nice smell of hops, good hops, and little wheaty, biscuity smell there. Smells very nice, so let's have it. Cheers. Tastes very fresh and crisp. It's really nice. Yeah, wheaty, that bread-like taste, but lot of nice citrus flavors. It doesn't taste like 5.5%. Really rich, good. Not 5.5%. It is 6.3% alcohol by volume. 5.5 was a half, but still 6.3 ke liye. Very hearty and very nice. It's going tasting like a low percent crisp lager, but with a lot of flavor. So very good 6.3%. And agar aap German beers try kiye, to ek German beers ka special hops ka flavor hota hai, which is similar to maybe a Heineken. You get that notes over here.
Right, let's taste it again. Again, you can see nice carbonation still happening. But really delicious, and I can see people drinking this in large quantities, but you shouldn't be drinking more than required. But partying, it's a nice beer to have while enjoying good music or folk dance. So if you get a chance, do visit Oktoberfest, even though it's inspired by Munich area. If you local area mein celebrate kiya jata hai, so. And if you get a chance to try an Oktoberfest beer, the original one, Hofra House is definitely a nice brewery to go with. Aaj ke video ke liye itna hi. Agar aapko ye video acha lage, like kariye, subscribe kariye channel ko. I know I don't upload videos very regularly, but I try my best. Drink responsibly, don't drink and drive. Sumit from Madeira Diaries.